माइकोन ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है और बेतूर योद्धाच्या कॅप्टना लागी मागता की ताणें एक प्लेयर हांगा ढगाळ हांगा पेंडलाक धाडून दिवचो जो सगळ्या प्लेयरांक वळखतलो. अरे बाबा बाबा आस मरे तो आस पण टाकयता. बेतुल योद्धास के ओर से ओपनिंग पेयर संजय पागी और विदेश मरे विदेश. फिलहाल स्ट्राइकर एंड पर हैं संजय. पहली बॉल
के ओर से खेलते हुए संजय पागी आज के दिन की पहली गेंद फेस करेगा। पहली गेंद हल्का सा पुश किया है, एक रन तो बन सकता है इस बीच। काफी बढ़िया आउटफील्ड भी मेहनत करके बनाई है और इसके नतीजा आज गेंद ग्राउंड पर भाग रही है और एक पहली गेंद पर 4 रन मिले हैं। वैष्णव की पहली ही गेंद पर 4 रन बनाने में सफल हो गए हैं संजय आज के दिन के ये पहले मैच। दूसरी गेंद आगे आके घुमाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, डॉट के रूप में ये गेंद। फिर एक बार तैयार वैष्णव अपने बॉलिंग मार्क पर। बढ़िया गेंद थी, उतनी बढ़िया स्ट्रोक खेला है संजय ने। फिलहाल इस बीच एक रन लेने की चांस था, इस बीच 2 रन बनाए हैं संजय ने और बढ़ता हुआ स्कोर 6। फिर एक बार तैयार वैष्णव, सामने है संजय, बढ़िया स्टॉक इस गेंद पर, उधर फील्डर जरूर मौजूद है, काफी बढ़िया फील्डिंग का नमूना दिखाया है फील्डर ने। इस बीच 2 रन लेने की समय था दोनों खिलाड़ियों के बीच में। एक बार तैयार वैष्णव, सामने है संजय और ये गेंद आगे आके घुमाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, डॉट के रूप में ये गेंद। आखिरी गेंद इस ओवर की और सामने है संजय, घुमाया है उधर बल्ले और एक पहला झटका लगता हुआ बेतुल युद्धास को संजय के रूप में। फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8-1। धन्यवाद रुद्रेश, आज के दिन की पहली मैच पोलेम आइकॉन ऑसिस बेतुल योद्धास पोलेम आइकॉन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय इस विकेट पर आज के इस राउंड की पहली मैच होने जा रही है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय, काफी बढ़िया आउटफील्ड और उतनी बढ़िया यहां पर माहौल दिखाई दे रहा है। पेवेलियन के पीछे गुरु परदेसी का देवस्थान यानी मंदिर, पेवेलियन के आगे तलपन रिवर और चारों तरफ हरा ही हरा और धूप थोड़ी सी बढ़ती हुई और उतनी खूबसूरत हवा बहती हुई यहाँ पर इस तलपन ग्राउंड पर। बढ़िया आयोजन, पहला आयोजन पीपीएल का, पागी प्रीमियर लीग का बढ़िया आयोजन और पहली ओवर तो हो चुकी है। पहली ओवर होने के बाद एक विकेट खोकर सिर्फ 8 रन बटोरे और दूसरी ओवर लेके आए नए गेंदबाज है अशोल, किसी शॉर्ट गेंद थी टिप्पा के लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर भी आई थी, उस गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ला और गेंद के बीच बात नहीं हुई, डक के रूप में गेंद चली गई है, टिप्पा के थोड़ी सी उछाल मिलती हुई इस विकेट पर। काफी बढ़िया विकेट है, बल्लेबाजी के लिए अंकुल जैसी विकेट बनाई गई है पीपीएल के ऑर्गेनाइजरों ने। मेरे साथ स्कोर बोर्ड पे बैठे हैं कुंदन,
इस बार ऑफ स्टंप के काफी भारतीय हल्के से उछाल दी, उतनी खूबसूरत है उसको खेला है, कवर के क्षेत्र में हवा में गेंद है और डीप कवर के फील्डर द्वारा कोई गलती नहीं हुई, सीधी चली गई हाथों में और दूसरा झटका लग चुका है, दूसरी विकेट खो चुके हैं 8 रनों पर। ऑफ स्टंप के भारतीय धीमी गति की गेंद थी, उछाल दी, उस गेंद को खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, उस गेंद को टाइमिंग करने के लिए नाकामयाब रहे और सीधी चली गई डीप कवर के क्षेत्र के खिलाड़ी के हाथों में और दूसरा झटका लग चुका है 8 रनों पर। बेतुल योद्धा को टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय पोलिम आइकॉन का, गेंदबाजी का भार संभाल रहे वैभव बढ़िया, पहली गेंद पर तो सफलता प्राप्त की है वैभव ने और मेरे साथ YouTube का जिम्मा संभाल रहे हैं प्रसाद, घर बैठे आप इस टूर्नामेंट का भी आनंद लूट सकते हैं YouTube के माध्यम से। एबी 25 चैनल पर फिलहाल फील्डिंग की सजावट, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए कवर पॉइंट, लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, एक्स्ट्रा मिड विकेट, फाइन लेग, स्क्वायर लेग, ये है फील्डिंग की सजावट पोलिम आइकॉन की, दो सफलता प्राप्त की है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए, दिशा में परिवर्तन और काफी बढ़िया खेल है, कवर के क्षेत्र में गेंद जा रही है फील्डर उसके पीछे, जब तक कवर के फील्डर जाके उसको गैदर करे उस गेंद को तब तक दो रन लेने का मौका था और इस दो रन के साथ स्कोर चला गया डबल फिगर यानी 10 रन पर। इस बार धीमी गति की गेंद थी, थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर भी थी, उतनी खूबसूरत है उसको मोड़ दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में, गेंद चली गई है सीमा क्षेत्र के बाहर 4 रनों के लिए, पहली गेंद खेली थी ऑफ स्टंप के बाहर थी, धीमी गति की गेंद थी, उस गेंद को मोड़ा था कवर के क्षेत्र में, 2 रन चुरा लिए थे, उसके बाद लेग स्टंप के बाहर फेंकी थी गेंद, फाइन क्षेत्र में मोड़ने में कामयाबी और फाइन क्षेत्र में गेंद चली गई है सीमा क्षेत्र के बाहर 4 रनों के लिए, चौके के बदले स्कोर में वृद्धि होती हुई, स्कोर चला गए 14-14 रन, 2 विकेट खो चुके बेतुल योद्धा, संजय चले गए और विदेश जी ने दो ही प्रारंभिक बल्लेबाज वापस चले गए पेवेलियन में, बढ़िया माहौल, बढ़िया ऑर्गेनाइजिंग, पीपीएल का तारीफ करने जैसा ऑर्गेनाइजिंग हुआ है यहां पर, पहली बार पीपीएल खिला रहे हैं और बढ़िया आयोजन इस ग्राउंड पर, आज के दिन की पहली मैच, फिर एक बार तैयार वैभव, इस बार ऑफ स्टंप के काफी भार थी और अंपायर का इशारा आ चुका है व्हाइट, पहला अतिरिक्त रन जुड़ चुका है, पहला अतिरिक्त रन जुड़ चुका है बेतुल योद्धा के खाते में, दो ही अंपायर गोवा क्रिकेट एसोसिएशन मान्यता प्राप्त अंपायर है और कानकुन में बढ़िया तजुर्बा है दो ही अंपायरों को, इस बार थोड़ी सी हाथ से गेंद फिसल गई है गेंदबाज की और अंपायर का इशारा आ चुका है, ये गेंद गिनी नहीं जाएगी, डेड घोषित की है ये गेंद, दो ही अंपायर, तजुर्बा है कानकुन में तो अक्सर अंपायरिंग करते हैं, मेन अंपायर है मोहित नाइक, इस बार भी अपने गेंद को अपने कंट्रोल में रखने के लिए नाकामयाब रहे, अंपायर का इशारा आ चुका है 9 ओवर होने के कारण यानी उल्टा धोने के कारण अंपायर ने उस गेंद को नो घोषित कर दिया है, अतिरिक्त रन जुड़ चुका है और अतिरिक्त रन के साथ ही साथ फ्री हिट भी मिल जाएगा, ये लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज प्रसाद, एक चौका और अंपायर का इशारा आ चुका है फ्री हिट, अगली गेंद लेफ्ट आर्म, इस बार प्रसाद ने खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, गेंद जा रहे फील्डर उसके नीचे और फील्डर को चकमा देती हुई गेंद चली गई है सीमा क्षेत्र के बाहर 6 रनों के लिए, फ्लाइटेड गेंद थी,
फ्लाइटेड गेंद थी, उस गेंद को देखा और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए उस गेंद को मोड़ने में कामयाबी हासिल की। लॉन्ग ऑन की क्षेत्र को पार करते हुए 6 रनों के लिए और पहला छक्का प्राप्त किया है प्रसाद ने, और इस छक्के के साथ स्कोर में तेजी से वृद्धि हो चुकी है। दूसरी ओवर तो चल रही है, बोले आइकॉन की ओर से गेंदबाज है वैभव, इस बार रक्षात्मक ढंग का इस्तेमाल करते हुए कवर के क्षेत्र में मोड़ा है, फील्डर वहां मौजूद है लेकिन एक रन रोक नहीं सके और इस एक रन के साथ और एक रन का इजाफा हो चुका है बेतुल योद्धा के खाते में, और उसी एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 23। मेरे साथ स्कोर बोर्ड पे बैठे कुंदन, दूसरी ओवर की समाप्ति हो चुकी है और दूसरी ओवर समाप्त होने के बाद 2 विकेट खोकर 23, यानी पहली ओवर में सिंगल में थे यानी 8 रन पर थे, 2 विकेट खो चुके थे और उसके सॉरी 1 विकेट खो चुके थे, उसके बाद पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की थी वाइबा ने, उसके बाद अपनी लाइन और लेंथ को खो बैठे थे और स्कोर चला गया था 2 ओवर खत्म होने के बाद 23 रन। काफ़ी बढ़िया हुआ माहौल यहाँ पर, और मेरे साथ माइक्रोफोन पे बैठे मेरे सहयोगी रुद्रेश, एक बढ़िया क्रिकेटर है, अब नए गेंदबाज आए साहिराज और स्ट्राइक चला गया है प्रसाद के पास, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, एक छक्का लगा के अभी भी अभिजीत है और साहिराज की पहली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद टिप्पा के थोड़ी सी नीचे रही, बल्ले और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डक चली गई है। तीसरी ओवर की पहली गेंद, धूप थोड़ी सी तेज होती हुई, हल्की सी हवा बहती हुई इस ग्राउंड पर, बढ़िया माहौल। फील्डिंग की सजावट, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद टिप्पा के थोड़ी सी स्पिन होती हुई, थोड़ी सी स्पिन मिलती हुई इस विकेट पर और गेंद चली गई है डक में। लगातार 2 गेंदे तो डक में निकालने में कामयाबी हासिल की है साहिराज ने, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को। बढ़िया गेंद, देख रहे हैं कि आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी दिशा में गेंदबाजी कर रहे हैं उस गेंद बल्लेबाज को साहिराज, लगातार 3 गेंदे डक निकालने में कामयाबी हासिल की है, अभी भी 23 रनों पे रोका हुआ है स्कोर बेतुल योद्धा का, 2 विकेट चली गई है। हल्की सी शॉट और अष्टम के थोड़ी सी भारतीय उतनी खूबसूरत है, उसको खेला है कवर के क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद है, 1 रन तो चुरा लिया, 2 रन की गुंजाइश बनी है वहां पर और आसानी के साथ 2 रन भी चुरा लिए, 2 रन के साथ स्कोर चला गया है क्वार्टर सेंचुरी में। तीसरी ओवर जारी है, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय पोलेम आइकॉन का, अब तक तो सही साबित होता हुआ, 2 विकेट खोकर क्वार्टर सेंचुरी तो बनाई है बेतुल योद्धा ने। 4 गेंदे हो चुके हैं तीसरी ओवर की, अगली गेंद इस बार भी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को, धीमी गति की गेंद थी, ऑन साइड पर थी और खेलने की कोशिश, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद चली गई है सीधी खड़ी के दस्तानों में और तीसरा झटका लग चुका है बेतुल योद्धा को प्रसाद के रूप में। धीमी गति की गेंद हल्की सी उछालती, उस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में मोड़ना चाहते थे लेकिन असफल रहे, टाइमिंग उतनी सही नहीं थी और उसका नतीजा उनको भोगना पड़ा है, आउट होके वापस चले गए पेविलियन में। तीसरे विकेट का पतन हो चुका है बेतुल योद्धा का 25 रनों पर और तीसरी ओवर की 5 गेंदे हो चुके हैं। पहली ओवर में 8 रन बटोरे थे, 1 विकेट खोई थी, उसके बाद थोड़ी सी दूसरी ओवर में वृद्धि तो हो चुकी थी, 23 पर चला गए थे स्कोर, उसके बाद सिर्फ आज तीसरी ओवर में सिर्फ 2 रन देखे, 1 विकेट हासिल किए, 5 गेंदे हो चुके हैं तीसरी ओवर की। विकेट तो काफी बढ़िया बनाई है पीपीएल के ऑर्गेनाइजरों ने लेकिन आज के दिन की पहली मैच है और रात को इस ग्राउंड पर थोड़ी सी होश होने के कारण धीमी रहेगी, जैसे 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 धूप बढ़ती जाएगी ये विकेट भी अपना रंग दिखाना शुरू करेगी
अब तक तो बढ़िया गेंदबाजी, सिर्फ दो रन देकर एक विकेट हासिल किया साहिर राज ने। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर वहां मौजूद है, एक ही रन मिलेगा और इस एक रन के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और तीसरे ओवर समाप्त होने के बाद तीन विकेट को कर स्कोर चला है 26 और माइक्रोफोन पर भी थोड़ी सी बल्ला होता हुआ मेरे सहयोगी रुद्रेश। पहले वाइकॉल की ओर से चौथी ओवर लेकर आ रहे हैं रजत और सामने हैं धर्मेश। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 26। फिलहाल स्ट्राइकर एंड पर हैं धर्मेश। ये पहली गेंद धर्मेश के लिए, काफी बढ़िया शॉट खेला है, कोई मौका नहीं इससे मारा शके बाहर 6 रन के लिए। पहली ही गेंद पर प्रहार किया है रजत के, स्कोर 32। या मॅची फाल्यान जी मॅच जातली ती म्हळ्यार शाश्वत पैंगीण आणि दादू वॉरियर्स तळपण। हांव दोनूय कॅप्टनां लागीं मागतां आपले प्लेयर तयार करचे आणि या इनिंगे फाटल्यान टॉस करपाक पेवले ना मुखार येवपाक। फिलहाल दुसरी गेंद लेके तयार है रजत अपने बॉलिंग मार्क पर, जो तलपना रिवर एंड से बॉलिंग करेंगे। और सामने है धर्मेंद्र, इन्होंने पहली गेंद पर 6 रन बनाए थे, सॉरी धर्मेश। अंपायर का फैसला है वाइड गेंद, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद। एक अतिरिक्त रन जोड़ चुका है जिसके बदौलत स्कोर है 33। फिर एक बार तैयार रजत और ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, उधर रन चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड से मना किया इस रन के लिए। फिलहाल एक अतिरिक्त रन जुड़ चुका है खाते में, 34 रन बन चुके हैं। फिर एक बार तैयार रजत, सामने है काफी बढ़िया गेंद, हल्की सी उठी थी गेंद, इस बीच रन आउट की अपील की थी। फिलहाल डॉट के रूप में एक गेंद गई है। फिर एक बार तैयार धर्मेश, ये गेंद प्रहार जरूर किया है, एक रन लेने का समय है। फिलहाल एक रन बन चुका है, बढ़ता हुआ स्कोर 35। फिर एक बार तैयार रजत अपने बॉलिंग मार्क पर, सामने है देवेश। फिलहाल इस इनिंग की पहली गेंद खेलते हुए बढ़िया प्रहार किया है, सिर्फ एक रन लेने का समय है, इस बीच दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया है धर्मेश ने। 36 रन बन चुके हैं इस बीच।
आज के दिन की ये पहली मैच और पहले मैच की ये चौथी ओवर सामने है धर्मेश और अगेन बढ़िया प्रहार के हैं। उधर फील्डर जरूर मौजूद है लेकिन इन दो प्लेयरों के बीच से गई गेंद चार रन के लिए। फिर एक बार तैयार रजत सामने है धर्मेश। अब तक काफी अच्छी बल्लेबाजी की है रजत ने। एक गेंद उठाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। फिलहाल एक रन तो मिल चुका है लेग बाई के रूप में। चार ओवर के समाप्त के बाद स्कोर है 41। आखिरी ओवर लेके आ रहे हैं श्रीरंग। फिलहाल उसके सामने है धर्मेश। अभी तक काफी अच्छी की बल्लेबाजी की है धर्मेश ने। अभी तक 12 रन बनाए हैं धर्मेश ने अपने टीम के लिए और स्कोर है 41। आखिरी ओवर इस इनिंग की लेके आ रहे हैं श्रीरंग तलपना विलेज एंड से। और ये गेंद बढ़िया गेंद काफी बढ़िया गेंद निकाली है श्रीरंग ने जो काफी बढ़िया तजुर्बा है इस ग्राउंड पर श्रीरंग को। और ये प्लेयर अबाव 45 के ऊपर है जो कंपलसरी है इस टीम में खेलने के लिए 45 एंड अबाव। फिलहाल उसका होम ग्राउंड है और काफी बढ़िया तजुर्बा है इस ग्राउंड पर बॉलिंग के लिए। और फिलहाल उठाए हैं धर्मेश ने काफी बढ़िया स्ट्रोक 6 रन के लिए। काफी सालों से खेल रहे हैं इस ग्राउंड पर श्रीरंग और कम से कम 50 के ऊपर का प्लेयर है और बढ़िया योगदान देते हैं एक्टिव बॉयज के ओर से खेलते हुए। फिलहाल आज पॉलम आइकॉन के लिए खेल रहे हैं। और इस बीच ये अगली गेंद बढ़िया स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। उस बीच एक रन लेने का समय था दोनों बल्लेबाजों के बीच में और लेग बाय के रूप में ये गेंद गई है। एक अतिरिक्त रन मिला है और 48 रन बने हैं अभी तक। काफी बढ़िया बल्लेबाजी कही जाएंगी श्रीरंग की। अपने तीन गेंदों में गेंदबाजी की है श्रीरंग ने। अपने तीन गेंदों में सिर्फ 7 रन दिए हैं। फिर एक बार तैयार सामने है देवेश। बढ़िया गेंद जरूर की थी लेकिन उतना जबरदस्त स्ट्रोक लगाए हैं देवेश ने 6 रन में तब्दील किए इस गेंद में। थोड़ी सी हल्की गेंद थी लेकिन 6 रन बनाने में सफल हुए हैं देवेश इस गेंद पर। फिर एक बार तैयार श्रीरंग अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने है देवेश। और ये गेंद काफी बढ़िया स्ट्रोक जरूर खेला लेकिन उधर फील्डर मौजूद है लेकिन
पकड़ नहीं सके, इस बीच 4 रन बनाने में सफल हो गए देवेश। रन बन चुके हैं इस गेंद उठाकर उठाया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए, आखिरी गेंद पर 6 रन बनाने में सफल हुए हैं देवेश। काफी बढ़िया गेंदबाजी, कहीं नहीं जाएगी इस आखिरी ओवर पर। फिलहाल कई सालों के बाद श्रीरंग ने इस ग्राउंड पर गेंदबाजी की थी, लेकिन आखिरी ओवर पर तेवीस रन बनाने में सफल हुए हैं बल्लेबाज। पहले बैटिंग गन बेतुल योद्धान 64 रन काड़ा है, 65 यानी 65 रन टार्गेट डोलें पोले आयकोना। हेजी फाटन जी मैच जी ती मैं शाश्वत पैंगीण वर्सीस दादू ओरिया स्थलपण। हाँ दोनों कैप्टन लगे मागता कि टॉस कर पेवेले ना मुखार योपाक नोंद घेवची। या मॅची फाटल्यान जी दुसरी मॅच जातली ती म्हळ्यार शाश्वत पैंगीण ओरियस दादू ओरियस तळपण। दोनूय कॅप्टनां लागीं मागता की टॉस करपाक पेवले ना मुखार येवपाक। वीथ प्लेइंग लेवल 11 प्लेयरांची नांवां घेवन दोनूय कॅप्टनांनी पेवलेना कडेन येवचे टॉस करपाक। आयच्या दिसाची ही पहिली मॅच टॉस जिखली पोळे आयकोनान आनी टॉस जिखून फिल्डींग केल्ली, बॅटींग करूंक दिल्लें बेतूल योद्धाक आनी बेतूल योद्धान पयली बॅटींग करून बेतूल योद्धान 3 आउट आनी 3 विकेट उडोवन 64 रन काडले आनी 65 रनाचें टार्गेट दवरलें आसा पोळे आयकोनाक। 5 वरांच्या भितर पोळे आयकोनान हे 65 रन काडपाक जाय। 5 वरांची पयली वर जी आसतली ती पावर प्ले आसतली। म्हाजे बरोबर मायक्रोफोनार बसलाय रुद्रेश नमशेकर, एक बरे क्रिकेटर बरे खेळगडी लकी स्टाराचे। जेन्ना आमी क्रिकेट खेळटाले तेन्ना तेंचे टिमीचें नांव लकी स्टार आसलें, एक बरे खेळगडी। तेज बरोबर स्कोर बोर्डाचेर बसले आसाय कुंदन धुरी, युट्यूबाचेर बसले आसाय प्रसाद, आनीक आमचे तुमचे मनोरंजन करपाक आनी डीजे वाजयताय ते म्हळ्यार देव अल्पागी। बरें आयोजन पागी प्रिमियर लिगाचे, बरी सुरवात। काणकोणाक पयले खेप इतले मोठे आयोजन जाता कित्याक काणकोणभर आनी काणकोणाच्या भायर आमी कॉमेंट्री करताय आनी असले आयोजन आज जरी आमी चयल ना। एक बरें आयोजन केला पीपीएलान। ह्या मॅचीची फाटल्यान मॅच जाल्ली ती म्हळ्यार शाश्वत पैंगीण आनी दादू ओरियस तळपण। दोनूय कॅप्टनां लागीं मागता टॉस करपाक पॅवलिना कडेन येवपाक आनी येता आसतना प्लेइंग लेवल म्हळ्यार आपल्या 11 खेळगड्याचें लिस्ट दोनूय कॅप्टनांनी घेवन पॅवलिना कडेन येवचें। अंपायर जावन आसाय मोहित नायक आनी आनंद कदम, दोनूय गोवा क्रिकेट असोसिएशन मान्यता प्राप्त अंपायर आहाय। गोंयभर अंपायरींग करताय आनी काणकोणा 4-5 वर्सां जालीं काणकोणाक चडांत चड अंपायरींग करताय मोहित नायक आनी आनंद कदम। 65 रनाची गरज पोले आयकोनाक ही मॅच जिखपाक।
मजो मित्र रुपेश हिंगा पाल आसा बरे योगदान तेज बरबर इंग्लिश कॉमेंटेटर बाब शेखर पागी हिंगा पाल आसा धन्यवाद रुद्रेश नमशिकर सभी श्रोताओं को मंगेश मडगांवकर की ओर से हार्दिक स्वागत करते हुए इस पीपीएल में पहले बल्लेबाजी करते हुए बेतुल योद्धा ने 64 यानी 64 रन बटोरे 65 यानी 65 रनों का लक्ष्य रखा है बोले आइकॉन के पास और उस लक्ष्य का बोझा अपने कंधों पे लेके आए हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वैष्णव और नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े हैं सम्राट दो ही काफी अच्छे बल्लेबाज है धुआंधार बल्लेबाजी करने में माने जाते हैं वैष्णव और सम्राट नामवंत बल्लेबाजों में इनकी गणना की जाती है और नॉन स्ट्राइक इन पे खड़े हैं सम्राट सॉरी स्ट्राइक पे खड़े हैं सम्राट ऑरेंज कैप इनको मिला वो है लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी अब तक तो इसने की है अपना तजुर्बा और अपनी कौशल्या इन्होंने दिखाई है इस टूर्नामेंट में अभी भी शुरुआत तो हो चुकी है एक दिन तो हो चुका है दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है गेंदबाज है बाबुश पहली गेंद धीमी गति गेंद थी रक्षात्मक ढंग का इस्तेमाल करते हुए खेला है मिडऑन के क्षेत्र में रन की गुंजाइश और बढ़िया तालमेल के साथ एक रन चुरा लिया और उसी एक रन के साथ अपना और अपना टीम का खाता खोलने में कामयाबी हासिल की है सम्राट ने धीमी गति की गेंद फेंकी थी बाबुश ने रेगुलर क्रिकेटर है रेगुलर क्रिकेट खेलते है बाबुश बढ़िया गेंदबाज है और पहली गेंद फेंकी थी बढ़िया फेंकी थी पावर प्ले की ओर है ये 65 रनों का लक्ष्य है पोलियम आइकॉन के पास ये मैच जीतने के लिए अब स्ट्राइक पे आया है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वैष्णव पेंडिकर एक सीजन क्रिकेटर है गोवा में खेल चुके हैं बढ़िया तजुर्बा भी है क्रिकेट का धूप थोड़ी सी बढ़ती हुई और धूप के साथ ही साथ हवा भी तेज होती हुई यहां पर बाबुश की अगली गेंद राइट आर्म ऑफ द विकेट इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी उसको खेला है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ने मिस फील्डिंग भी हो चुकी है और मिस फील्डिंग के कारण दूसरा रन चुराने का मौका था और दूसरा रन बढ़िया तालमेल के साथ चुरा भी लिया है और इस दो रन के साथ तीन रन हो चुके हैं मिड विकेट के क्षेत्र में खेली थी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ने थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई और उसका फायदा उठाने में कामयाबी हासिल की है दो ही बल्लेबाजों ने बढ़िया विकेट है बल्लेबाजी के लिए अनुकूल जैसी विकेट है और इसी विकेट पर अगर बल्लेबाजी नहीं की तो एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा इस बार धीमी गति गेंद उछालती हुई गेंद को खेला है फाइन क्षेत्र में हवा में गेंद है फील्डर उसके नीचे और फील्डर द्वारा गलती हो चुकी है जीवनदान मिल चुका है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वैष्णव के लिए टिप्पा के थोड़ी सी नीचे थी धीमी गति की गेंद थी उस गेंद को फाइनल के क्षेत्र में मोड़ना चाहते थे वैष्णव ठीक से उस गेंद को जज नहीं कर पाए बल्ले का ऊपरी किनारा लेके गेंद चली गई थी फाइनल क्षेत्र में फील्डर उसके नीचे थे लेकिन उस गेंद को कैच करने में नाकामयाब रहे और जीवनदान मिला उस जीवनदान के साथ एक रन तो चुरा लिया और एक रन के साथ स्कोर चला गया चार रन पर अब आइए सम्राट ऑरेंज कैप के मान करी है ये अब तक तो बढ़िया बल्लेबाजी कर चुके हैं पहले ये राउंड जो हुआ था 26 जनवरी को उस राउंड में तो बढ़िया बल्लेबाजी की है सम्राट ने अब सामने है बाबुश ये भी बढ़िया गेंदबाज है रोक तो लगाई है सम्राट और वैष्णव पर इस बार खेला है सम्राट ने गेंद चली गई इसको लेकर के सिर के ऊपर 6 रनों के लिए हल्की सी साइडेड गेंद थी और बल्ले के बीचों बीच लिया और बढ़िया टाइमिंग के साथ उस गेंद को मोड़ने में कामयाबी हासिल की है गेंद चली गई है 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर चला गया डबल फिगर यानी 10 रन पर गति में परिवर्तन किया था धीमी गति की और फ्लाइटेड गेंद फेंकी थी और उसका फायदा उठाते हुए इसके बाद जो मैच होगी वो शाश्वत पहीन और दादू ओरियस तलपन मैं दो ही कप्तानों के बाद फिर एक बार तर्कवास करता हूं कि टॉस के लिए पेविलियन के आगे आ जाने के लिए बाबुश फिर एक बार अपने आपको संभालते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट सम्राट के लिए अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ी सी भारतीय उस गेंद को मोड़ा है कवर के क्षेत्र में फील्डर वहां मौजूद है रन की गुंजाइश नहीं है डक चली गई है गेंद बाबुश फिर एक बार अपने आप को संभालते हुए राइट आर्म और द विकेट सम्राट के लिए इस
बार धीमी गति की गेंद टिप हाके थोड़ी सी नीचे रही, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं है। डक के साथ ही साथ पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहली ओवर समाप्त होने के बाद बिना कोई विकेट कोई आइकॉन ने डबल फिगर यानी 10 रन बटोरे। इसमें सम्राट का एक चक्का जो डीप स्क्वायर क्षेत्र में मोड़ा था सम्राट ने चौथी गेंद पर, उसके बाद लगातार दो गेंदे डक यानी अपने आप को संभालने में कामयाबी हासिल की है। संजय ने कमबैक किया है, पहली गेंद में एक, दूसरी गेंद में दो रन, उसके बाद एक और उसके बाद छक्का आया था और उसके बाद दो डक। रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। हमारे सहयोगी शेखर पागी भी यहां पहुंच चुके हैं। नए गेंदबाज आए बेतुल योद्धा की ओर से हरीश और स्ट्राइक चला गया लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वैष्णव के पास। दूसरी ओवर की पहली गेंद लेफ्ट आर्म वो द विकेट, बढ़िया गेंद, रन तो चुरा लिया है। अंपायर का अभी तक इशारा आया नहीं यानी बल्ले अंपायर का इशारा आ चुका है, लेग बाय यानी पैड को टकरा के गेंद चली गई थी सिली पॉइंट के क्षेत्र में और इस एक रन के साथ स्कोर चला है 11 रन पर। अब स्ट्राइक आया सम्राट के पास, स्ट्राइक आया है सम्राट के पास, फील्डिंग में परिवर्तन, पॉइंट पर फील्डर है, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर लगाया हुआ है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, मिड विकेट पर फील्डर है, डीप मिड ऑन पर फील्डर है और स्क्वायर लेग पर फील्डर है। ए फील्डिंग की सजावट इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बार थी, उसके अंदर मोड़ने में कामयाबी हासिल की, पॉइंटर करके ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। भारतीय उछाल मिली थी और उस पर टूट पड़े सम्राट, बढ़िया जितनी भी तारीफ करे सम्राट की उतनी कम है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद मिली थी, उछली हुई गेंद थी और उस पर टूट पड़े, छक्के के रूप में उस गेंद को तकदील करने में कामयाबी हासिल की और छक्के के बदौलत स्कोर चला गया 17 यानी 17 पर बिना कोई विकेट को। ये मैच जीतना है तो 65 यानी 65 रनों का लक्ष्य पार करना पड़ेगा आइकॉन पोलेम आइकॉन को। दूसरी ओवर जारी है, स्कोर हो चुका है 17। अब तक तो पूरे फॉर्म में दिख रहे सम्राट, ऑरेंज कैप के मानकर ही है ये सम्राट और उसका पूरा फायदा उठाते हुए अगली गेंद लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट, इस बार भी खेला है उसी दिशा में गेंद जा रही है सीमा क्षेत्र के बाहर। अब आए हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वैष्णव, थोड़ी सी रुकावट आई थी इस बार वैष्णव ने मोड़ दिया, इसका लेग अंपायर के सिर के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। गुड लेंथ गेंद थी और इस गुड लेंथ का पूरा फायदा उठाते वैष्णव
अपने दाहिने पैर को मोड़ा और बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए स्क्वायर लेग क्षेत्र के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल किया और छक्के के बदौलत स्कोर में तेजी आती हुई स्कोर चला गया है 30 यानी 30 रन पर। अभी भी दूसरी ओवर जारी है और स्कोर हो चुका है 30 रन। अब तक तो बढ़िया बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए दो बल्लेबाज पोलेम आइकॉन के पूरे फॉर्म में दिख रही है और उसका पूरा फायदा भी उठा रहे हैं यहाँ पर। हरीश फिर एक बार अपने आप को संभालते हुए लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है और बल्लेबाज है लेफ्ट हैंडेड वैष्णव पेड़नेकर। इस बार लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, इस बार फाइनल के क्षेत्र में मोड़ा है वैष्णव ने, गेंद जा रही है सीमा क्षेत्र के बाहर 6 रनों के लिए। काफी बढ़िया धीमी गति की गेंद थी और उस गेंद को जज किया, देखा, सोचा, समझा और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए फाइनल के क्षेत्र में मोड़ने में कामयाबी हासिल की है 6 रनों के लिए। और छक्के के साथ दूसरी ओवर की भी समाप्ति हो चुकी और दूसरी ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर चला गया है 36 यानी 36 रन बिना कोई विकेट को, 12 गेंदों में 36 रन बटोरे और मैच जीता है तो 65 रनों का लक्ष्य है इनके पास। और आगे का विवरण के लिए मेरे सहयोगी नमशिकर। अभी तक काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं सम्राट और वैष्णव। तेज हवा इस ग्राउंड पर, काफी बढ़िया बल्लेबाजी खेती गई हुई ओवर पे 4-6 रन बनाने में सफल हुए थे सम्राट और विदेश, सॉरी वैष्णव। बॉलर नेम विदेश देवाना नए हैं अगले ओवर लेकर तीसरी ओवर और सामने है सम्राट। अभी तक काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सम्राट और ये गेंद घुमाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं। फिलहाल एक रन तो बन चुका है अतिरिक्त रन के रूप में। मैच जीतने के लिए 65 रन बनाने होंगे, अभी तक 37 रन बन चुके हैं पोलेम आइकॉन्स के। फिर एक बार तैयार देवानंद, तलपना रिवर एंड से बॉलिंग कर रहे हैं और सामने है वैष्णव और ये गेंद घुमाया है सीमा रक्षक के बाहर 6 रनों के लिए। एक बढ़िया प्रहार किया है वैष्णव ने, बदला 6 रन मिले हैं इस गेंद पर। काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं वैष्णव, कानकोन एरिया में फेमस, अपने बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अभी तक 43 रन बने हैं पोलेम आइकॉन्स के। फिर एक बार तैयार देवानंद अपने बॉलिंग मार पर और ये गेंद वैष्णव के लिए, काफी बढ़िया गेंद, उसको रिस्पेक्ट दिया है। सिर्फ एक रन बना है इस गेंद पर, 44 रन बने हैं इस एक रन के बाद। काफी बढ़िया बल्लेबाजी दिखा रहे हैं सम्राट और वैष्णव। फिर एक बार तैयार सम्राट और ये गेंद काफी बढ़िया, उधर फील्डर दर्द मौजूद है, फिर एक बार मिस कैच छोड़ी है और जीवनदान मिला है सम्राट को। फिर एक बार तैयार देवानंद अपने बॉलिंग मार पर, सामने है वैष्णव और ये गेंद बढ़िया प्रहार किया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन।
फिर एक बार तैयार, देवानंद सामने है, बल्लेबाज घुमाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, डॉट के रूप में गेंद गई है। फिलहाल स्कोर है 51, टारगेट है 65 रनों की अभी तक अपने बल्लेबाजी में। 4 छक्के लगा चुके हैं वैष्णव और सम्राट ने 3 छक्के लगाए हैं। एक बढ़िया बल्लेबाजी ओपनिंग पेयर पॉले आइकॉन के ओर से। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 10, दूसरे ओवर में 26 रन दिए थे हरीश ने और तीसरे ओवर में वापस वापसी की है देवानंद ने और सिर्फ 15 रन दिए हैं इस ओवर में और स्कोर पहुंचा है 51 रन। चौथे ओवर लेके आ रहे हैं विदेश और सामने है सम्राट। अभी तक अपनी पारी में 3 छक्के लगा चुके हैं सम्राट। कल्पना वीर एजेंट से बॉलिंग कर रहे हैं विदेश और एक गेंद थोड़ी सी हिचकिचाहट बॉलर के बीच में। फिर एक बार तैयार विदेश अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने है सम्राट। और ये गेंद फुल टॉस की गेंद थी, सही फायदा नहीं उठा सके सम्राट। फिलहाल 1 रन तो मिल चुका है इस गेंद पर। अब आए हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन वैष्णव जिनको सही फायदा मिल सकता है तेज हवा का। फिर उसके सामने है विदेश। कम से कम 50 किलोमीटर आवर से चलती हुई ये हवा। गेंद विदेश की फुल टॉस लेन की गेंद का सही फायदा उठाए हैं वैष्णव ने, 6 रन में तब्दील की है इस गेंद गेंद को। काफी बढ़िया बल्लेबाजी कही जाएगी वैष्णव की। अब वैष्णव का निजी स्कोर है 34 रन। फिर एक बार तैयार और ये गेंद बढ़िया स्टोक 6 रन में तब्दील किए हैं इस गेंद पर। लगातार 2 गोने में 2 छक्के लगाने में सफल हुए हैं वैष्णव। अब ये मैच पॉले माइकॉन की ओर से झुक चुके हैं, सिर्फ 1 रन चाहिए और वैष्णव का निजी स्कोर है 40। ग्यारह गेंदों में 40 रन बनाए हैं वैष्णव ने। फिर एक बार तैयार और ये गेंद फुल टॉस लेन के गेंद और 6 रन बनाने में सफल। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए हैं वैष्णव ने और इस तरह पोले माइकोन ने ये मैच जीती है। बड़े बैटिंग गन ये मैच दिख लिया बार बॉलांक 46 रन काढल्या वैष्णवान तेतूक 7 सिक्सांची भरती आहा आणि या मॅचेचे मॅन ऑफ द